हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो, और वो 4 नंबर में आता है एग्ज़ाम में। अगर BTUP बोर्ड के एग्ज़ाम में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो हमेशा 4 नंबर में आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कहाँ प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बस आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है 1/(x³-1), इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/(x³-1) देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन देखने में है जरूर ये, लेकिन उतना आसान ये नहीं है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ना, हमें मालूम है कि 1/(x³-1) का फॉर्मूला होता है, ये a³-b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, a³-b³ का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a-b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। अब हम क्या काम करेंगे, इसे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल्स से सॉल्व करेंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx/(x-1)(x²+1+x), इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगा देंगे। इसे हम क्या मान सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a/(x-1), एक ब्रैकेट ले लीजिए x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² + 1+x, एक्स पे 2 पावर है, तो जब 2 पावर है इस तरीके का फंक्शन लिखा हो तो हम यहाँ b/n में नहीं मानते हैं बल्कि bx+c ये मानते हैं, अपान में x² + 1+x dx, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। बात समझ में आई, अगर नीचे केवल ब्रैकेट में x पे पावर 1 होता तो हम केवल b मानते हैं, a/(b/c/), लेकिन यहाँ पर क्या है, x² + 1+x करके फंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, bx+c, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें सॉल्व करके क्या करना है, a, b और c, ये तीनों वैल्यू हमें निकाल करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख करके हमें सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए ए बी और सी का वैल्यू निकालना मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीका क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दीजिए, 1/(x-1)(x²+1+x) = a/(x-1)+b/(x²+1+x), यहाँ पर बी एक्स प्लस सी है, ये लाइन सबको समझ में आई। अब हम क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इस तरफ तो जैसा लिखा है इसको वैसा ही लिखे रहेंगे हम, 1/(x-1)(x²+1+x), और यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, x-1)(x²+1+x). अब देखिए x-1 से x-1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x² + 1+x बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, a के साथ हो जाएगा, x² + 1+x प्लस, अब इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x-1 और x-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा bx+c के साथ हो जाएगा, ये चीज होगी। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या बचा, 1 = अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 मेथड से सॉल्व करना बताया था ए बी और सी का वैल्यू, एक तो ये था कि जो भी ब्रैकेट लिखा हुआ होता है
उसे हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा तरीका ये बताया था वहाँ पे कि आपको क्या करना है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का अंदर कर देंगे और बी एक्स प्लस सी का यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले जो भी फंक्शन होंगे उनकी एक, उनको एक साथ ले लेंगे, एक्स वाले को एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ ले लेंगे, फिर दोनों साइड में कोफिशियंट का कंपेयर कर देंगे आप। इससे भी बहुत आसानी से एक्स ए बी और सी का वैल्यू निकल जाता है, यानी कोफिशियंट का कंपेयर करना है हमेशा। तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा देखिए यहाँ पर, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। देखो मैंने ए का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दिया और बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन में कर दिया। अब क्या काम करेंगे आप, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख लीजिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाले फंक्शन को एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर x का फंक्शन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस सी। ठीक है, अब क्या बचा कांस्टेंट बचा है आपका, अभी आप चाहो तो हाँ कॉमन ही ले सकते हैं डायरेक्ट, या एक लाइन और बढ़ा लीजिए बी से, आप अगले बार में हम कॉमन एक साथ ले लेंगे। ए एक्स लिखा माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। अब आपके पास कांस्टेंट क्या क्या बचा, ए माइनस सी प्लस ए माइनस सी, वन इज इक्वल टू। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ए प्लस बी हो गया, प्लस इन तीनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो a माइनस बी प्लस सी हो गया, और प्लस ये कांस्टेंट है आपका। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर्स ऑफ कोफिशियंट, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट राइट साइड में देखिए तो x स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई है, a प्लस बी का, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का फंक्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का, अगर हम पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो है आपका और दूसरी तरफ क्या है ए प्लस बी, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी। एक इक्वेशन आपको, ये छोटा सा इक्वेशन मिल गया। अब अगर हम एक्स का कंपेयर करते हैं तो इधर x का फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो, कोई x का फंक्शन ही नहीं है तो जीरो है, इधर पे क्या है आपका a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हमें कुछ तो मिल नहीं पाएगा, ऐसा कर सकते हैं कि a का वैल्यू माइनस बी जो आया हुआ है यहाँ पर रख देंगे तो b और c का इक्वेशन बन जाएगा ये आपका, बी और सी का इक्वेशन बन जाएगा ये, तो बी और सी का यहाँ बन जाएगा, ए और सी का यहाँ पर है, तो इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम बी का वैल्यू ए के टर्म में रख लेते हैं, तो ये जो मैंने लिखा है ना ए इज इक्वल टू माइनस बी, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस इधर लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है ना, जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस ए, तो a और c का इक्वेशन बन जाएगा, a और c का इक्वेशन यहाँ भी और यहाँ भी है, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू a माइनस बी, माइनस बी के स्थान पे क्या रखेंगे आप, यानी b के स्थान पे माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस सी, तो हो जाएगा ये एक और एक कितना हो जाएगा 2a प्लस सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा c बराबर माइनस 2a हो जाएगा आपका, c को आप इधर ले लीजिए तो c बराबर क्या हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस 2a बराबर c, a बराबर माइनस 1 माइनस c बाई 2,
तो ए का वैल्यू आपको हो गया कितना, माइनस सी बाई टू। ठीक है, ए का वैल्यू माइनस सी बाई टू हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, यही ए का वैल्यू इस छोटे से इक्वेशन में रख देंगे तो आपको बी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। देखा जाए तो इसे छोटा सा इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। अब इस ए का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, ए का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए सेकेंड में। फ्रॉम सेकेंड तो माइनस ए, ए का वैल्यू है माइनस सी बाई टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया आपको। अब हम कांस्टेंट का कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कांस्टेंट आपका 1 है और इधर कितना है, a माइनस सी, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस सी। तो इस c को इधर ले आएंगे, या आप एक काम करेंगे c को इधर लाएंगे तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू a हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां से आपको a b c का बेल यहां से फायदा नहीं है कुछ। आप एक काम करेंगे कि इस इक्वेशन को बस इतना ही लिख लीजिए, बस थर्ड मान लीजिए इसे आप, और इसे सॉल्व करने से अभी कोई फायदा आपको नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना ही सॉल्व कीजिए कि आपने एक बार एक्स स्क्वायर का कंपेयर किया कोफिशियंट का, फिर एक्स का किया तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने कांस्टेंट का कंपेयर किया तो क्या हुआ, इधर कांस्टेंट 1 है आपका और इधर कितना है a माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी, इधर लाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू, या इसको इतना ही रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, फोर्थ। अब आप थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन देखो, a और c के टर्म में ये भी है, a और c के टर्म्स में आपका ये भी है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड यहीं पे लिख लीजिए, क्या है, 0 इज इक्वल टू 2a प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लीजिए। अब क्या काम करेंगे आप, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2a और प्लस a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये माइनस सी प्लस सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/3। देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि a या c का वैल्यू, या c इज इक्वल टू माइनस टू ए, सी का वैल्यू माइनस टू ए आकर के इक्वेशन नंबर यहाँ पर रख देंगे तो आपका वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसी a का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। इसके बहुत तरीके हैं, जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू ए, और c का वैल्यू माइनस टू ए आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए तो ये भी वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो इस a का वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड से अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सेकंड में रखिए माइनस ए, माइनस ए, ए का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू बी, तो ये बी का वैल्यू हो गया। अब आपको निकालना है सी का वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए या इक्वेशन नंबर फोर्थ में रख दीजिए, दोनों से आपका आ जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, फोर्थ में रख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ, फोर्थ में क्या है, 1 इज इक्वल टू ए माइनस सी, और ए का वैल्यू है 1/3 माइनस सी, ये सी इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा 1/3, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका 3, सी इज इक्वल टू माइनस 2/3।
तो देखिए आपको ए बी और सी ये तीनों वैल्यू निकालना था। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन था, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ से आप मैंने आपको बता दिया है कि एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू छोटे मोटे कैलकुलेशन हर एक स्टूडेंट को आता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना? नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही आप समझ लीजिए। अब ए बी सी का वैल्यू जब मिल गया ना, तो हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और आपको इसका इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए, हमें इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या मान लिया है, इसका इंटीग्रेशन मैंने माना हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ए अपान एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डी एक्स। तो हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम इसे पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ऐसा जरूरी नहीं है, बस हम इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि तो इसी को मैंने ये मान लिया हुआ है। तो क्या है, a अपान एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ a, a का वैल्यू कितना है, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री इंटू एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू है माइनस टू बाई थ्री, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा टू बाई थ्री अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डी एक्स। तो देखिए वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो वन बाई थ्री को बाहर लिखिए, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स यानी लॉग एक्स माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया बहुत आसानी से, अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन हो गया आपका, माइनस वन बाई थ्री कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है? तो माइनस वन बाई थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन इसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स को हम टी मान करके सॉल्व करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू एक्स आएगा, और यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ हमें 2x चाहिए। तो क्या काम करेंगे, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, समझिए आप, क्योंकि जब नीचे मैं इसको t मान लूँगा ना तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और ऊपर तो केवल x लिखा हुआ है तो हमें ऊपर भी 2x चाहिए। जब दोनों में 2x लिखा होगा तब जा करके ऊपर और नीचे ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो वही चीज़ हमें करना है यहाँ पर। तो हम क्या काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन माइनस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है? ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 4 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है? अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स को हम मान लेंगे टी, बी एक्स प्लस सी, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ है, चलिए देखते हैं। वन बाई थ्री
लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू बाई सिक्स यहां वन लिखिए क्योंकि टू का मल्टीप्लाई तो मैंने अंदर कर दिया ना, टू का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, यहां पे टू का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया आपका, तो क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स। अब इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, वो दोनों भाग कौन कौन से होंगे इसको हम लिख सकते हैं। देखिए टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैंने इस फोर को वन प्लस थ्री लिखा। ऐसा क्यों लिखा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको टी मानेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, यानी कि टू एक्स प्लस वन आएगा और टू एक्स प्लस वन हमें चाहिए, तभी तो टू एक्स प्लस वन से कैंसिल होगा। इसलिए मैंने इसको फोर को दो भागों में कर लिया वन प्लस थ्री। अगली वाली लाइन में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों अलग अलग किया उसे फोर को। यहां पर डी एक्स लिखिए वन बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई सिक्स, अब अलग अलग कर लेंगे टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन अलग से ले लेंगे और प्लस इसको अलग कर लेंगे, तो प्लस थ्री जब करेंगे ना यहां पर जैसे प्लस थ्री अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका अलग कर लेंगे, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां पर देखिए दो प्रकार का क्वेश्चन हो गया आपका, ये दो क्वेश्चन हो गया, अब आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां पर, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं चलिए, और इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर, अब इसको मान लेते हैं हम थर्ड तक मान चुके हैं तो फोर्थ मान लेते हैं, यानी हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग से करना है। चलिए करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2x प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी। देखिए अगर आपको याद होगा ये चीज तो मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले लेक्चर में, और ये जस्ट अभी जो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में, सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो नए नए क्वेश्चन और मिल गए हैं जो कि ये प्रीवियस लेक्चर में मैं इनको बता चुका हूँ, और ये दोनों प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ यही क्वेश्चन आपको यहाँ इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के रूल से सॉल्व कर रहा था, तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत घबराने की बात नहीं है, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है आपको यहाँ पर। तो क्या नियम है इसका कि वन अपान टी हो जाएगा ये, सॉरी ऊपर तो टू एक्स प्लस वन है और नीचे मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिया, और डी एक्स का वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे जहाँ पे मैंने इसको माना हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स प्लस, यहां पर प्लस एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान्य हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो और टी का डी टी अपान में डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपान टू एक्स प्लस वन डी टी अपान में, ठीक है। यही डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे डी टी अपान में टू एक्स प्लस वन। अब देखिए यही हमें फायदा था कि टू एक्स प्लस वन नीचे भी आ गया, टू एक्स प्लस वन ऊपर भी आ गया,
ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी को कैंसिल करने के लिए ही मैंने क्या किया था कि इस 4 को लिखा था 1 + 3, 1 को अलग कर लिया और 3 को अलग कर लिया, क्योंकि हमें मालूम था कि जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो एक्स 2x + 1 आएगा, तो ऊपर भी 2x + 1 होना चाहिए। तो 2x + 4 था, तो 2x + 1 लाने के लिए मैंने क्या किया कि 4 को लिख दिया 1 + 3, ठीक है। अगर यहाँ +1 होता तो हमारा काम बन जाता, फिर हमें दो भागों में अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या बचा आपका 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और log t, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है आपका x² + x + 1। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, किसका, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x + 1/x² + x + 1 का इंटीग्रेशन। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 3/x² + x + 1 का। इसका इंटीग्रेशन मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² + x + 1 dx, ठीक है। चाहो तो आप 3 को बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसे सॉल्व करते हैं, 3 को बाहर ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है dx। अब इसको हमें क्या करना है कि a + b के होल स्क्वायर, यानी इसे 1/x² - a² के टाइप का ये बन जाएगा आपका। तो पहले हमें क्या करना है, नीचे x² और a² यानी x² - a² में बनेगा या x² + a² के रूप में बनेगा, तो पहले हमें वैसा बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या प्लस और माइनस करें कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। उसका मैंने आपको तरीका बहुत अच्छा सा बताया हुआ था कि x का जो फंक्शन है उसमें देखिए कितने का मल्टीप्लाई है, x में कितने का मल्टीप्लाई है, 1 का, इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 1/4, यानी यहाँ पर हमें 1/4 प्लस करना है और 1/4 माइनस करना है। ये हो जाएगा x² + x + 1 + 1/4 - 1/4, प्लस वाले को इसके साथ ले लेंगे, माइनस वाले को अलग कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 dx / x² + x + 1 = x² + x + 1/4, इसको एक साथ ले लीजिए, 1 - 1/4 को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dx/, अब देखो a² + b² + 2ab x + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 का मल्टीप्लाई, यहां 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 ये हो गया, बात समझ में आई। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये अब आपका हो जाएगा ये 3 dx / x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया आपका dx / x² + a² x² + a² वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपका लग जाएगा, तो क्या होता है 1/a tan inverse x/a, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/a का वैल्यू कितना है √3/2, 1/a tan inverse x/a और x का वैल्यू कितना है x + 1/2, a का वैल्यू कितना है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस √3 से जब ऊपर काटेंगे ना, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस √3 से जब यहां कैंसिल तो ऊपर √3 लग जाएगा आपका, और ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो 2√3 हो जाएगा into tan inverse।
अब यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो 2x प्लस 1 बाई 2 और अंडर रूट 3 आपका नीचे बचा है अंडर रूट 3 बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट में 3 टेन इनवर्स। अब ये अंडर रूट जो 3 है आपका, देखो पहले का मल्टीप्लाई चौथे के साथ दूसरे का तीसरे के साथ होता है आपका, तो क्या बचेगा आपका, अब ये 2x प्लस 1 बाई रूट में 3। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमें इसका भी इंटीग्रेशन मालूम हो गया और इसका भी मालूम हो गया, अब हम दोनों का इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आया हुआ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम 4, 4 नंबर से चलेंगे। ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ रखना है, 4 में रखना है, क्योंकि देखिए इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आ गया था, और इसका इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई 6। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, 2 अंडर रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट 3। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप कर सकते हैं 1 अपान x क्यूब प्लस 1 का इंटीग्रेशन, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो फिर मैं मिलूँगा अगले लेक्चर में और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ आपको मैं बताऊँगा।